जी अस्सलाम वालेकुम एवरीवन एंड वेलकम बैक टू अनदर एपिसोड ऑफ लर्न टू अर्न सीरीज। ये जो इनिशिएटिव हमने स्टार्ट किया है सरमाया के ऊपर, इसमें बेसिकली वी कॉल आवर फंडामेंटल्स ऑफ कैपिटल मार्केट के जो स्टूडेंट्स हैं या टेक्निकल एनालिसिस के जो स्टूडेंट्स हैं, हम उनको इन्वाइट करते हैं और थोड़ा सा ये जानने की कोशिश करते हैं कि उनके जॉब के साथ या बिजनेस के साथ जो उन्होंने ये ट्रेनिंग्स ली हैं उससे उनके ट्रेडिंग के अंदर या इन्वेस्टमेंट के अंदर कैसी इंप्रूवमेंट आई है, उनकी डिसीजन मेकिंग स्ट्रॉन्ग हुई है कि नहीं। सो हम थोड़ा सा उनकी जर्नी को जानने की कोशिश करते हैं। अच्छा, एक और अनाउंसमेंट मैं करता चलूं कि नेक्स्ट वीक के अंदर 8th of October इज द लास्ट डेट फॉर फंडामेंटल्स ऑफ कैपिटल मार्केट की ट्रेनिंग की रजिस्ट्रेशन क्लोज हो रही है। सो इफ एनीवन वांट्स टू बी पार्ट ऑफ द ट्रेनिंग यू कैन रजिस्टर फॉर द कोर्स। अच्छा, विदाउट वेस्टिंग अनदर टाइम आई विल वेलकम उस्मान भाई। उस्मान भाई इज माय स्टूडेंट फ्रॉम बैच 3 और ये ही वाज वन ऑफ माय फेवरेट स्टूडेंट फ्रॉम द बैच 3। और हुआ ये था कि उस टाइम तो बहुत एक्टिव थे लेकिन जैसे ही बैच ग्रेजुएट हुआ तो उस्मान भाई गायब हो गए और कुछ अरसा पहले फिर मैंने मेरा रब्ता हुआ तो मैंने उनसे पूछा कि भाई आप कहाँ पे होते हो आजकल। सो इट टर्न आउट टू बी उन्होंने बहुत ज़बरदस्त परफॉर्मेंस भी हुई, उनकी पोर्टफोलियो की बहुत ज़बरदस्त परफॉर्मेंस भी जा रही है और साथ साथ ही इज रनिंग अ म्यूचुअल फंड। सो बेसिकली अपनी तो इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं और फैमिली के भी फंड्स वगैरह थोड़े से मेंटेन कर रहे हैं और बहुत ही आउटस्टैंडिंग इनकी परफॉर्मेंस है। तो थोड़ा सा हम जानने की कोशिश करते हैं जी। उस्मान भाई प्लीज इंट्रोड्यूस योरसेल्फ और थोड़ा सा बताएं कि आजकल क्या चल रहा है। जी अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम उस्मान एजाज है और मेरा ताल्लुक अकाउंटिंग एंड फाइनेंस प्रोफेशन से है। मैं क्वालिफाइड SCCA हूँ और पिछले तकरीबन 10-11 साल से मैं दुबई में जॉब कर रहा हूँ और बस ये मेरा सिंपल सा इंट्रोडक्शन। परफेक्ट हो गया। अच्छा, सो अब दुबई में आप पिछले 10 साल से हैं तो ओवरऑल पाकिस्तान में जब आप थे, जब आप पढ़ रहे थे या यहाँ पे भी जब आपने जॉब स्टार्ट किए तो उस तक आपने कोई इन्वेस्टमेंट वगैरह स्टार्ट की थी? नहीं, देखिए पाकिस्तान में मैं तकरीबन 2011 तक था और इनिशियल पार्ट ऑफ माय जो कैरियर था उसमें बेसिकली ज़्यादा टाइम इंटर्नशिप वगैरह में गुजरा क्योंकि CA का स्टूडेंट था। उसमें आपको पता है एक 3.5 ईयर की आपको करनी पड़ती है, तो उसके बाद सिर्फ 2 साल मैंने पाकिस्तान में जॉब किया और उसके बाद फिर मैं यहाँ पे दुबई में आ गया था। तो पाकिस्तान में मेरी ऐसा इन्वेस्टमेंट नहीं थी क्योंकि सेविंग ही नहीं थी, सीधी सी बात है, सेविंग होगी तो इन्वेस्टमेंट होगी। तो उसके बाद फिर UAE में तकरीबन पिछले 10-11 सालों से मैं हूँ और इनिशियल जो आपको बताया जो भी एक तरह से नॉन रेजिडेंट पाकिस्तानी होता है उसकी फर्स्ट प्रेफरेंस यही होती है कि वो रियल इस्टेट में इन्वेस्ट करें। लेकिन फिर बाय द टाइम यू नो रियल इस्टेट में आपने कुछ ठीक है कुछ इन्वेस्ट कर लिया कुछ बना लिया लेकिन यू हैव टू एक्सप्लोर अनदर रेवेन्यू फॉर द इन्वेस्टमेंट। सो उसके बाद इस सोच के साथ मतलब मेरा फिर समय के साथ जो है वो एक तरह का इंट्रोडक्शन हुआ और फिर ट्रेनिंग बाकायदा आपके साथ ली। तो ये मेरा ब्रीफ सा जर्नी था। परफेक्ट है। अच्छा, मुझे ये बताएंगे तो पहली आपने इन्वेस्टमेंट की थी रियल स्टेट के अंदर वो कौन से साल में थी और उसके बाद भी अगर कोई इन्वेस्टमेंट्स वगैरह रियल स्टेट में किए हैं या स्टॉक मार्केट में भी इवन किए हैं तो वो कैसा एक्सपीरियंस रहा आपका? रियल स्टेट देखिए मैं एंटर हुआ था अराउंड 2018-19 और अप टिल कोविड मतलब मेरा सारा फोकस रियल स्टेट पे ही था और कोविड के बाद से क्योंकि एक तरह से वो लॉकडाउन की जो कैफियत थी उसमें एक तरह से आपके पास टाइम बहुत ज़्यादा था इवन ऑफिस में भी और वैसे भी, तो उस टाइम पे मैंने सोचा व्हाई नॉट यू नो गो डीप इन दी कैपिटल मार्केट्स और इनको स्टडी किया जाए इसको सीखा जाए। तो मेरी PSX में या इवन किसी भी स्टॉक एक्सचेंज में कभी कोई इन्वेस्टमेंट नहीं रही क्योंकि मेरा एक थोड़ा सा अपना एक पर्सनल ट्रेड भी है कि जब तक मुझे कुछ चीज़ों की समझ ना आ जाए तब तक मैं उसमें एंटर ना हूँ। तो फर्स्ट स्टेप जो था मेरा यही था कि पहले इसको डीपली समझा जाए। अकाउंटिंग फाइनेंस तो ठीक है आपको समझ आती हैं मतलब वो एक बड़ा एक छोटा सा पार्ट है उसका, असल चीज़ जो है वो मतलब फंडामेंटली चीज़ों को देखना कोरिलेशन और मैक्रो लेवल पे। तो वहाँ पे मतलब उसको पहले मैंने मतलब सीखना चाहा फिर उसके बाद मतलब इन्वेस्टमेंट की जाए बजाय इसके कि मतलब आप खुद से करें लॉस करें और फ़ायदा कोई नहीं। परफेक्ट हो गया। अच्छा, मुझे ये बताएंगे कि ओवरऑल रियल स्टेट की एज एन एग्जांपल के तौर पे बात कर लेते हैं, रियल अमाउंट आप चाहे बेशक ना बताइएगा, अगर 50 लाख रुपए उस टाइम आपने इन्वेस्टमेंट की हुई थी तो इस टाइम पे वो कितने सालों के अंदर कितना उसका गेन हो चुका होगा? देखिए वो अगर डबल भी हो गया तो वो नुकसान में है, सीधी सी बात है डॉलर टर्म्स अगर, हाँ क्योंकि
मेरी फॉर एग्जांपल प्राइमरी जो करेंसी है जिस पे मतलब मैं अर्न करता हूँ वो इज़ नॉट पाकिस्तानी रुपीस। तो मैंने उसके हिसाब से, यार लोग डॉलर पैरिटी के हिसाब से देखते हैं, तो उसके हिसाब से तो वो कोई लुक्रेटिव इन्वेस्टमेंट मुझे नहीं लगी। इवन दो के मतलब उसमें इन पाक रुपी में एक काफ़ी अच्छा फॉर एग्जाम्पल जंप आ भी चुका है। तो एक ये बहुत बड़ी वजह थी, क्योंकि जब मैंने जो भी मेरी इन्वेस्टमेंट थी या उसमें मतलब आगे 2-3 साल के बाद उसकी रिलेटिवली इन डॉलर टर्म देखें या फॉरेन करेंसी पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो उसमें ऐसे इफेक्टिव गेंस मुझे नज़र नहीं आए। तो ये एक कैटलिस्ट था कि इसको कैपिटल मार्केट्स को इवेल्यूट किया जाए फर्दर। परफेक्ट हो गया। अच्छा, अब आपने जो डिसीजन लिया था सरमाया की ट्रेनिंग लेने का, तो थोड़ा सा ये बता दें कि डिसीजन मेकिंग कैसे आपने बनाया? आपने कोई पॉडकास्ट वगैरह देखी थी या किसी ने आपको रिकमेंड किया था, तो हाउ डिड यू डिसाइड कि मैं ये ट्रेनिंग लूँ? मैंने आई थिंक मैंने पॉडकास्ट ही देखी थी, और आई थिंक फर्स्ट पोस्ट जो मैंने देखी थी वो फ्रास की थी, टेक्निकल एनालिसिस की। तो मैंने पहला जो था स्टेप मेरा टेक्निकल एनालिसिस ही था, लेकिन कंसिडरिंग माई रिटर्न और मतलब ऑब्जेक्टिव जो थे वो मतलब मुझे ज़्यादा था कि अनलेस मुझे चीज़ों का फंडामेंटली ना पता हो तो मतलब फिर उसके बाद फिर मैंने ये फंडामेंटल जो था कोर्स ये किया था, और दैट टर्न आउट टू बी यू नो लाइक अ गेम चेंजर फॉर मी। परफेक्ट हो गया। अच्छा, सो अब मैं थोड़ा सा इस तरह से आपसे एक चीज़ पूछता हूँ कि ओवरऑल अगर तीन ऐसी चीज़ें आपको ये डिस्कस करनी या बतानी हो कि व्हाट आर द वैल्यूज़ जो आपको सरमाया की ट्रेनिंग ने ऑफर की, जो कि आपको लगता है कि किसी और जगह से मुझे ये चीज़ शायद नहीं मिल सकती थी, तो ये कौन से वो तीन वैल्यूज़ होंगी? देखिए फर्स्ट जो मेरे जहन में आता ना, क्योंकि जो इन्फॉर्मेशन एज आजकल चल रही है इसमें आपको मतलब स्कैटर्ड चीज़ें तो हर जगह पे मिल जाएंगी। इवन आपको यूट्यूब में सारा कुछ मिल जाएगा आपको, मतलब कंपनी एनालिसिस कैसे करना है फॉर एग्जांपल, या मैक्रो लेवल पे क्या चीज़ें चल रही हैं। लेकिन असल चीज़ होती है उसको आपने इंटीग्रेट करना, उसको कोरिलेट करना वो एक सिस्टमेटिक वे के अंदर। तो मतलब इवन दो के सारी चीज़ें कोई नई नहीं थी मेरे लिए, लेकिन उसको एक प्रॉपर सिस्टमेटिक वे में उसको इंटीग्रेट करके एक सिस्टमेटिक वे में लेके चलना वो एक टर्निंग पॉइंट था। फॉर एग्जांपल अगर मैं एग्जांपल दूं कि इस टाइम पे अगर पाकिस्तान में इन्फ्लेशन के ये हालात चल रहे हैं या फिस्कल पॉलिसी ये चल रही है या मॉनेटरी पॉलिसी ये चल रही है, तो उसको स्टॉक्स के साथ या दूसरी एसेट क्लासेस के साथ उसको किस तरह से लिंक करके आपने एक मतलब एक डिसीजन करना है। तो वो जो चीज़ ना इंटीग्रेशन, जो डिफरेंट चीज़ें, जो एक आइसोलेशन में तो आपको चीज़ें पता होती हैं लेकिन एक इंटीग्रेटेड पॉइंट ऑफ व्यू में अगर आप उसको देखें तो वो एक मोर इट मेक्स मोर सेंस। तो ये उसका था सर। और दूसरा जो उसमें मुझे एक अच्छी चीज़ लगी वो ये थी कि जो आप बेसिकली पढ़ रहे हैं सीख रहे हैं वो सिर्फ थ्योरी नहीं है, आप उसको साथ साथ एक अपना डमी पोर्टफोलियो बनाया, फिर आप उसके अंदर जो आप इंटरेक्शन होती है कि एक पॉइंट ऑफ टाइम पे अगर आपने एक स्टॉक रखा होगा फॉर एग्जाम्पल, तो बाकी सारे फिर उसको एनालाइज भी कर रहे हैं, फिर अपनी एक इनपुट दे रहे हैं, और उससे मतलब एक वो एक अच्छी चीज़ थी उसके अंदर इंटरेक्शन थी। ये एक मतलब एक पॉजिटिव पॉइंट था मेरे हिसाब से। परफेक्ट हो गया। चलें, हम एक काम करते हैं कि आपने एक पोर्टफोलियो आपने एक्सेल में मुझे शो भी किया था, तो हम ऑडियंस को भी शो कर देते हैं, और ये भी देखते हैं कि ओवरऑल आपने, मैंने देखा है कि एयरलिंक और साजगर जैसी कंपनीज को भी आपने पिक किया था विच हैव परफॉर्म्ड एक्सेप्शनली वेल। तो थोड़ा सा पहले हम पोर्टफोलियो देख लेते हैं और फिर आप डिस्कस कीजिएगा कि आपने एयरलिंक और साजगर जो है अर्ली कैसे पिक की है। अगेन, ये बहुत ज़बरदस्त कंपनीज अच्छा, थी। थोड़ा मैं पहले एक सो डिस्क्लेमर दे दूं, ये म्यूचुअल फंड वगैरह ऐसा नहीं चला रहा मैं, लाइक वो पूल इन्वेस्टमेंट है लेकिन मतलब फैमिली मेंबर्स नहीं हैं तो ये ना हो कि कोई टैक्स वाला देख रहा हो और मतलब मैं फंस जाऊँ। अच्छा, मैं यहाँ पे ये भी चीज मेंशन कर दूँ फॉर ऑल द ऑडियंस एज वेल कि एक तो नंबर वन, जब आप फैमिली फ्रेंड से पैसे लेते हैं सो वो एक बहुत एक सेंसिटिव मामला भी होता है, तो कोशिश ये करें कि आप अपने फंड्स को ज्यादा मैनेज करें। लेकिन अगर आप, हाँ बिल्कुल, अगर आपके बहुत अच्छा रिलेशनशिप है विद योर फ्रेंड्स या फैमिलीज, फिर आप यू कैन एक्चुअली मैनेज, तो इसका कोई इशू नहीं है। और अगेन, उसमें एक चीज़ मैं मैंने ऐड करना चाहूँगा कि उसमें आपका ऑब्जेक्टिव्स मैच करना ज़रूरी है, ये ना हो कि आप जिससे पैसे ले रहे हैं उसका ऑब्जेक्टिव कुछ और है और आपका ऑब्जेक्टिव हो रहा है, तो ऑब्जेक्टिव की अलाइनमेंट ज़रूरी है उसके अंदर। ये थोड़ा सा डिस्क्राइब भी कर दें कि ये कौन कौन सी कंपनीज आपने पिक की हैं एंड व्हाई डिड यू पिक दीज कंपनीज। अच्छा बेसिकली ये जो मैंने पोर्टफोलियो इस साल के तकरीबन अप्रैल मई में शायद मैंने बनाना शुरू किया था,
और इसको मैं एक फाइनेंशियल ईयर के हिसाब से ही लेके चल रहा हूँ। जैसे 24 का जो फाइनेंशियल ईयर जब एंड हुआ था उसके बाद से मैंने फिर इसको दोबारा से ब्रेकआउट किया। अच्छा, इसमें मेरी जो अभी करंटली ओपन पोजीशंस आप कह लें या जिनको भी मैंने क्लोज नहीं किया, वो एयर लिंक है, हाफ पावर है, पाइनियर सीमेंट है, चार सीमेंट है। थोड़ा सा मैं इसका बैकग्राउंड दे दूं कि ये पोर्टफोलियो का बेसिकली ऑब्जेक्टिव क्या है और ये मतलब व्हाई आर द वेटेजेस दैट यू आर सीइंग। इसमें जो इसका ऑब्जेक्टिव है, ये हमारा एक तरह से लॉन्ग टर्म ऑब्जेक्टिव है ग्रोथ का, और इसको थोड़ा सा कम वोलाटाइल करने के लिए इसमें थोड़ा सा डिफेंसिव स्टॉक्स भी हैं जिसकी वेटेज आपको ज़्यादा नज़र आ रही होगी, जैसे हाँ पावर है, पाकिस्तान ऑयल फील्ड लिमिटेड है, और जो प्योर साइक्लिकल ग्रोथ कंपनीज हैं वो तकरीबन ऑलमोस्ट 55-60% मेरे पोर्टफोलियो में भी एक्टिव हैं। इसमें जो मेजर अभी तक की परफॉर्मेंस है उसमें एयर लिंक गुड सिलेक्शन, उसके अलावा सास थी। सास में आपको यहाँ पे नज़र आ रहा होगा कि प्रॉफिट तो बड़ा कम है, लेकिन बेसिकली मैंने इसके फर्स्ट बाइंग तब पढ़ना शुरू की थी जब ये ऑलमोस्ट 518-519 के आसपास था। एंड एयर लिंक माई फर्स्ट ट्रांजेक्शन वाज आई थिंक अराउंड 72-73 रुपीज़, विच हैव बोथ हैव डबल्ड इन यू नो सिंस आई स्टार्टेड इन्वेस्टिंग इन बोथ कंपनीज। और सीमेंट में मैं काफ़ी लेट एंटर हुआ हूँ क्योंकि आई हैड माई डाउट्स अबाउट सीमेंट, तो लेकिन अभी जो आगे नज़र आ रहा है इंटरेस्ट रेट मज़ीद कट होने का, और मे बी इसमें चांस है कि ये अच्छा चल सकता है आगे जाके। और हब पावर जो है उसमें अभी थोड़ी सी वो चल रही है, इश्यूज़ वगैरह जो IPPs के चल रहे हैं, सो बट इट्स अ सॉलिड कंपनी, डाइवर्सिफाइड बिजनेस है, और दे आर ऑल्सो एंटरिंग इन टू इलेक्ट्रिक व्हीकल स्पेस, सो गोइंग फॉरवर्ड आई थिंक इट विल बी गुड। परफेक्ट हो गया। अच्छा मुझे ये बताएं कि एयरलिंक और साजगार ये एक दो कंपनी जैसे जो ग्रोथ बहुत जबरदस्त कर रही हैं, सो इनको जो आपने पिक किया था उसकी क्या रीजन थी? देखिए, मैंने जब हमारी ट्रेनिंग ख़त्म हुई थी, आई गेस इट वाज इन August 2022 समथिंग समवेयर दैट टाइम, तो उसके बाद बेसिकली जो उस टाइम पाकिस्तान के हालात चल रहे थे आपको याद होगा, late 2022 और early 2023 में आपके जो फॉरेन रिजर्व्स थे वो एक बिल्कुल एक डिफॉल्ट लाइक सिचुएशंस पे खड़े हुए थे। इसके अलावा इन्फ्लेशन जो थी एट पीक, और मतलब पॉलिटिकल अनस्टेबिलिटी भी उस टाइम पे चल रही थी। लेकिन जो हमने बेसिकली सीखा वो ये था कि आपकी जो इन्वेस्टमेंट होती है वो फॉरवर्ड लुकिंग होती है, वो आज की सिचुएशन पे ठीक है, मतलब वो डिपेंड कर रहा होता है, लेकिन आपने फॉरवर्ड लुक करना होता है कि आप 1 साल में 2 साल में जैसे चीज़ें स्टेबलाइज होती हैं तो तब क्या परफॉर्मेंस होगी। तो एयरलिंक को सेलेक्ट करने का जो सबसे बड़ा रीज़न था वो ये था, मैंने इसकी जब स्क्रीनिंग की थी सेक्टर की, तो उसमें मुझे ये कंपनी पता चली, इसके मैंने पिछले थोड़े से चीज़ें देखी। अब ये कंपनी जो थी ग्रोथ पहले अच्छी कर रही थी रेवेन्यू में भी, लेकिन 23 इसका एक अच्छा नहीं गया था। क्यों? क्योंकि आपके डॉलर शॉर्टेजेस थे, ऐसी खुल नहीं रही थी, और इम्पोर्ट वगैरह के जो इश्यूज़ वगैरह चल रहे थे, तो ये एक नेचुरल सी मतलब एक नो ब्रेनर काइंड ऑफ अ थिंग थी। जैसे ही आपके ये चीज़ें सेटल होती हैं, या इवन इफ आप IMF में जाते हैं या के रिजर्व बेहतर होते हैं, इन्फ्लेशन कूल डाउन होती है, तो थोड़ी सी ग्रोथ की तरफ जाते हैं, तो नेचुरली दिस कंपनीज लाइक ऑटो एंड सीमेंट एंड ऑल दी साइक्लिकल कंपनीज, इनमें आपको एक अच्छा जंप मिल सकता है। तो फर्स्ट रीज़न इसकी सिलेक्ट करने की ये थी, क्योंकि इसकी जो प्रीवियस ग्रोथ चल रही थी उसके हिसाब से मुझे काफ़ी मतलब एक तरह से नज़र आया कि इसमें ज़्यादा पोटेंशियल है गोइंग फॉरवर्ड अगले 1-2 सालों में इसका। और दूसरी इसकी थोड़ी सी स्टडी वगैरह भी की, कंपनी स्पेसिफिक जो चीज़ें थी इनके मतलब दे आर वन ऑफ द लार्जेस्ट डिस्ट्रीब्यूटर ऑफ मोबाइल फ़ोन, एंड मार्केट शेयर के हिसाब से मार्केट लीडर ही समझे जाते हैं। और इसके अलावा इन्होंने जो अपनी शाओमी में और दूसरी मतलब कुछ ब्रांड था जिनमें इन्होंने लोकलाइजेशन लाइक असम्बली भी है करते हैं, तो इनके प्लान्स भी मतलब आगे अच्छे हैं। सो यही रीज़न थी कि मैंने इसको इवन क्लोज करने के बाद भी अभी मैंने इसमें दोबारा फ्रेश पोजीशंस लिए हैं। आई एम होपफुल कि ये अगले 1-2 सालों में या ओवर द इकोनॉमिक साइकिल जो है ये अच्छा परफॉर्म करेगा। परफेक्ट हो गया। तो आपने बिल्कुल अच्छे पॉइंट पे इसको पिक किया। आपको पता था कि ग्रोथ कंपनी है, ओवरऑल जो है इसकी डिस्ट्रीब्यूशन जो पहले मोबाइल फोन्स भी असेंबल कर रहे हैं यहाँ पे, वो बहुत ज़बरदस्त इनके पास डिस्ट्रीब्यूशन अवेलेबल है। इस टाइम पे भी देर इज़ न्यूज़ के ये एसर के साथ जो है लैपटॉप्स की भी यहाँ पे असेंबलिंग जी हाँ, स्टार्ट करने एसर के साथ लगे। उनका आया उनकी, बल्कि मैंने एक एनालिस्ट ब्रीफिंग भी देखी है जिसमें मतलब उनके काफ़ी
मतलब उनके जो लैपटॉप्स की है उसमें आई थिंक 25 बिलियन समथिंग इफ़ आई एम नॉट रॉन्ग वो प्रोजेक्ट कर रहे हैं। और इसके अलावा इनकी और टीवी की भी चल रही है जिनके इफेक्ट आना शुरू हो जाएंगे इन कमिंग मंथ्स, जो असम्बली वगैरह चल रही है इनकी। और उसके अलावा अभी ये शाओमी की जो एक इलेक्ट्रिक कार है उसका भी इनका एक नोटिफिकेशन मैंने देखा था, जो मतलब ये उस स्पेस में भी आ रहे हैं। तो एम्बिशियस प्लान्स हैं इनके, तो लेट्स सी। जबरदस्त हो गया। अच्छा, दूसरा आपने साजगर को जो पिक किया है, ये अगेन ऑटो सेक्टर है। एक एक आइडिया तो था कि ओवरऑल जब आपका इंटरेस्ट रेट भी मेंटेन होना शुरू हो जाएंगे या नीचे आना शुरू हो जाएंगे, तो ऑटो इंडस्ट्री इज वन इंडस्ट्री जो सिक्लिकल्स में भी आती है। सिक्लिकल्स, अगेन फॉर ऑल द ऑडियंस टू अंडरस्टैंड, कि सिक्लिकल्स उन सेक्टर्स को कहा जाता है जब आपके इकोनॉमी के अच्छे हालात होते हैं या एक्सपेंशनरी पॉलिसी चल रही होती है, तो ये सिक्लिकल्स उस टाइम पे जबरदस्त ज्यादा अच्छा परफॉर्म करते हैं। तो ओवरऑल वी कैन सी के ऑटो सेक्टर इज वाज वन सेक्टर जो बड़ा जबरदस्त परफॉर्म कर सकता था। तो इसमें अच्छा, साजगर को आपने क्यों पिक किया? आप इसके अलावा भी कई कंपनीज हैं, इंडस मोटर है, आपकी होंडा कार है, बाकी भी कंपनीज थी, तो इसको आपने क्यों पिक किया? हाँ, इसमें देखें जो मेरी इनिशियल पिक थी दैट वाज नॉट आप साजगर, उसी एक्सेल को वहीं पे खोल लेंगे, ये स्क्रीन वाले मुझे, हाँ यहाँ मतलब पे। जब मैंने इसको स्क्रीन करना शुरू किया था उस टाइम जो मेरी फर्स्ट पिक थी दैट वाज सुजुकी। और क्योंकि सुजुकी जैसे ही आपके मतलब ये ऑटो में थोड़ी सी रिकवरी शुरू होती है, तो मेरा ये मतलब अजम्पशंस थी, मे बी आई एम नो, कि जो आपकी एक कम प्राइस लेवल की जो व्हीकल्स हैं उनमें क्योंकि जो आपकी फाइनेंसिंग है उसका भी इम्प्रूवमेंट होती है, तो उसमें ज़्यादा मतलब मुझे लग रहा था कि इसमें ज़्यादा अच्छा गेन आ सकता है। तो उस टाइम पे मैंने सुजुकी को इनिशियली बाय किया था। तो सुजुकी की उसके बाद फिर वो डीलिस्टिंग वगैरह भी हो गई थी, तो उसके बाद फिर मेरे पास चॉइस थी होंडा की, इंडस की और ये साजगार की। अच्छा, साजगार में ये था कि उसकी इनके जो प्रोडक्ट लॉन्च हुई थी ये हवाल वगैरह सारा वो मैं इसको क्लोजली फॉलो कर रहा था इनिशियली। मतलब मैं सिर्फ ये देखना चाह रहा था कि क्योंकि जैसे ही आप ये स्टार्टअप वगैरह इस तरह से ग्रोथ के इनिशियल स्टेज में होते हैं तो उसमें थोड़ा सा रिस्क भी ज़्यादा होता है, तो मेरा उस टाइम पे था कि इसको अभी थोड़ा सा वॉच किया जाए कि मतलब इनकी जो गाड़ी है हवाल H6 है या इनकी वो हवाल जूलियन वगैरह है उसकी मार्केट में क्या रिप्यूट है, क्योंकि प्रोडक्ट का एक अच्छा होना भी वो मतलब ज़रूरी है। तो साथ साथ में इनके फॉलो कर रहा था, इनकी जो मंथली सेल्स थी वो भी देख रहा था, फिर इनके रिव्यूज़ वगैरह देखता था। जैसे एक वे काफ़ी एक हैं ब्लॉगर्स हैं ये ऑटोमोबाइल के, उनको भी मैं सुनता था कि मार्केट में इसकी क्या रिप्यूट है और ये इसकी रिलायबिलिटी कंसर्न ये वो सारा। तो थोड़ा सा कॉन्फिडेंस बनने के बाद फिर मैंने इसको जो था ना सीरियसली इसको फिर थोड़ा वर्कआउट किया। और मतलब अभी अगर इसको आप दूसरे तनाजुर में देखें तो एक जो वेव चल रही है उसमें आपकी हाइब्रिड आ जाती हैं और ये इलेक्ट्रिक व्हीकल्स आ रहती हैं, उसमें मतलब एक तरह से एक शिफ्ट आ रहा है जो कन्वेंशनल आपकी फॉर एग्जांपल टोयोटा ने तो इसको काउंटर एक तरह से किया है अपनी जो करोला क्रॉस वगैरह हाइब्रिड ने लॉन्च किया, लेकिन होंडा अभी भी लैग कर रहा है इसमें, उनके प्लान्स हैं आगे जाके। तो मुझे ज़्यादा फिर उसमें ये साजगर जो थी ये बेहतर लगी। अब होंडा में मसला ये है कि होंडा की फॉर एग्जाम्पल होंडा सिविक है वो जितनी की प्राइस में और जो उसमें प्रीमियम है उसमें और फिर इनकी हवाल में कोई फ़र्क रह नहीं जाता, तो इसलिए मुझे ज़्यादा जो था मेरा टिल्ट वो साजगार की तरफ हुआ था। और आई थिंक फर्स्ट बाइंग मैंने 500 समथिंग पे स्टार्ट की थी इसकी। डबल तो हो गया ना, उस प्राइस से भी डबल हो गया। वैसे हमारे उस टाइम भी बैच में काफ़ी हद तक लोग साजगर को, तो मुझे याद है 70 पे भी कोई खरीद रहा था, 100 पे भी खरीद रहा था, 200 पे भी खरीद रहा था। उसके बाद से बड़ा ज़बरदस्त परफॉर्मेंस हुई और कई कई स्टूडेंट्स ने तो एयरलिंग काफ़ी अर्ली, आपने 70 भी आई थिंक आप पे किया मेरी था मेजर बाइंग तो। 70 पे है, लेकिन मैंने इसकी जो फर्स्ट बाइंग की थी ना वो थोड़े से शेयर लिया थे, वो मैंने लिया थे 21 या 22 के। हाँ, उफ, वो तो कमाल हो गया, मतलब 7 टाइम्स इंक्रीज हो गया होगा इस टाइम तो। उस टाइम से तो मतलब ये 1 साल से थोड़ा सा ज़्यादा हुआ है, इसकी जो मेजर परफॉर्मेंस है ना वो पिछले 1 साल में ही आई है। परफेक्ट हो गया, जबरदस्त हो गया। अच्छा, फॉर ऑल द ऑडियंस टू अंडरस्टैंड कि साजगर जैसी कंपनीज या एयरलिंक जैसी कंपनीज को आप किस तरीके से पिक कर सकते हैं, तो जो जिस तरीके से मैं कोर्स में डिजाइन किया हुआ है, मैं ओवरऑल ये समझाने की कोशिश करता हूँ कि आप
किस टाइम के ऊपर इकोनॉमी के तहत आपको जो सेक्टर्स बेहतर लगते हैं आप उसको पहले पिक करते हो। जैसे कि उस्मान भाई ने पहले मेंशन किया कि इंटरेस्ट रेट वगैरह नीचे आने वाले थे, तो मैंने सिक्लिकल्स के ऊपर थोड़ा सा ज्यादा फोकस किया। ऑल्दो यहाँ पर डिफेंसिव सेक्टर के भी दो तीन चीज़ हैं, और डिफेंसिव सेक्टर उन सेक्टर्स को कहा जाता है जब आपके हालात थोड़े से मुल्क के बुरे होते हैं, तो उस टाइम पर कुछ सेक्टर्स ज़्यादा बेहतर परफॉर्म कर रहे होते हैं। अगर मार्केट गिर भी रही होती है तो वो सेक्टर ज़्यादा गिरते नहीं है, जिसमें आपका पावर सेक्टर भी आता है, बैंक्स वगैरह भी आते हैं। तो यहाँ पे अगेन आपको जो है उन्होंने अपने पोर्टफोलियो में रखा हुआ है। और दूसरा ऑयल एंड गैस, क्योंकि बहुत ज़्यादा लिंक्ड है, अगर आपकी ऑयल की प्राइसेस इंटरनेशनली ज़्यादा ऊपर जाती है, उससे महंगाई पाकिस्तान के अंदर आती है। तो यहाँ पे जाहिर सी बात है कुछ कंपनीज हैं वो ऑयल की बेस के ऊपर प्रॉफिट बना रही है। तो यहाँ पे POL उस्मान भाई ने अगेन अपने पोर्टफोलियो में रखा हुआ है, और बाकी जो शिफ्टिंग है वो उन्होंने सारी सिक्लिकल सेक्टर्स में की है। और सिक्लिकल सेक्टर्स जैसे कि आपके इंटरेस्ट रेट वगैरह नीचे जाते हैं, बड़ी जबरदस्त परफॉर्म करती है। तो ओवरऑल अगर आप पायनियर सीमेंट को भी देख लो, आप चिराग सीमेंट को देख लो, इवन साजगर को देखें, एयर लिंक को देख लें, ये सारी सिक्लिकल कंपनीज हैं और इनकी परफॉर्मेंस आउटस्टैंडिंग है। यहाँ पे एक चीज समझने वाली ये है कि देखें, टेक्सटाइल का कोई स्टॉक नहीं डाला हुआ उन्होंने, इस तरीके से ऑटो इंडस्ट्री के अंदर उन्होंने इंडस मोटर या होंडा कार जैसी कंपनीज को नहीं रखा हुआ, ऑल्दो ये दोनों भी परफॉर्म किए, लेकिन सबसे बेस्ट कंपनी कौन सी है? साजगर, और उसने सबसे बेस्ट परफॉर्म किया। इसी तरीके से एयरलिंक जो है वो भी बड़ी जबरदस्त ग्रो कर रही है। इसके साथ साथ बाकी भी बहुत ज्यादा कंपनीज आ सकती हैं, लेकिन क्यों पिक किया? क्योंकि फंडामेंटली अगर आप चीजों को समझ लें कि बीच बैकएंड पे बिजनेस क्या कर रही है कंपनी, बिजनेस एनालिसिस क्या है, ग्रोथ के फैक्टर्स क्या है, स्टेबिलिटी के फैक्टर्स क्या है, तो आप बड़े अच्छा अपना पोर्टफोलियो को गेन कर सकते हैं। अच्छा उस्मान भाई, आपने वो एक ट्रेडिंग व्यू के ऊपर भी इसको शेयर करके दिखाया हुआ, तो थोड़ा सा ऑडियंस को आप दिखा देते हैं कि ओवरऑल अच्छी कंपनीज पिक करने का जो स्टाइल होता है, अगर आप सही तरीके से अप्लाई कर दो तो आपके रिजल्ट किस तरीके से आ सकते हैं। सो इसको जरा वहां पर आप दिखा दें ट्रेडिंग व्यू पे। सो दिस इज बेसिकली KSE 100, मेरे ख्याल से वो नीचे नजर आ रहा है 106% के करीब तकरीबन, और उसके बाद अगर आप साजगर को देखें तो 20 टाइम्स परफॉर्म कर चुका है। एयरलिंक जो है मतलब 5 टाइम्स परफॉर्म कर चुका है। पाइनियर सीमेंट डबल से ज्यादा हो गया है। तो अगेन ये सारी कॉम्बिनेशन जो है ना, ये इस तरीके से आपको पता लगते हैं कि ओवरऑल जो है आप अच्छे स्टॉक्स को पिक करो, इकोनॉमी करी वो सारी उन चीज़ों को बूस्ट कर रहा हो, तो आप बड़ा अच्छा अपने गेंस ले सकते हैं। चलें जी उस्मान भाई, एंड में अगर आप, इफ यू वांट टू से एनीथिंग, अ फ्यू वर्ड्स, तो फिर इसके बाद आप अप करते हैं ना। बस काफ़ी आई थिंक डिस्कशन इसमें पोर्टफोलियो पे हो गई है, बाकी आपने भी काफ़ी इनपुट दे दी है इसके अंदर। सो इसके अलावा अगर कोई आपको और कोई क्वेश्चन है या कुछ चीज मिस हो गई है तो वो देख लेते हैं उसको। नहीं नहीं, परफेक्ट हो गया, चलें। अच्छा, सो लास्ट में अगेन, इफ एनीवन वांट्स टू रजिस्टर फॉर द कोर्स, तो 8th of October इज द लास्ट डे टू रजिस्टर फॉर द कोर्स। तो फंडामेंटल्स ऑफ कैपिटल मार्केट ट्रेनिंग हम रजिस्ट्रेशन बंद कर देंगे। सो इफ यू वांट टू बी पार्ट ऑफ द ट्रेनिंग, यू कैन गो एंड रजिस्टर फॉर द कोर्स। चलें जी, थैंक यू सो मच उस्मान भाई फॉर योर टाइम एंड फॉर एन अमेजिंग पोर्टफोलियो जो बड़ा जबरदस्त परफॉर्म कर रहा है। आई एम रियली प्राउड कि आप बड़ा जबरदस्त काम कर रहे हैं और साथ में जो फंड्स भी मैनेज कर रहे हैं, अगेन दैट इज एक्सेप्शनल। चलें जी, थैंक यू सो मच एवरीवन, और फिर नेक्स्ट वीक मिलते हैं। मेरी तरफ से, उस्मान भाई की तरफ से, एंड सरमाया की तरफ से, अल्लाह हाफिज़, सी यू गाइस नेक्स्ट वीक।